Let's start with the next one. So it says, how does the embryo get nourishment inside the mother's body? So nourishment kaise milta hai? It is with the help of a special tissue called placenta. Usko bola jata hai placenta, jiske through sara nutrition ka transport hota hai aur blood ka transport hota hai, glucose ka transport hota hai, oxygen ka transport hota hai. To ye sari cheeze kaun se tissue se jati hai? नेम इज प्लेसेंटा. प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. इट इज बेसिकली अ डिस्क विच इज एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ यूट्रस. तो इन फीमेल बॉडी देयर इज अ यूट्रस वेयर वी हैव अ जायगोट और वी हैव अ फीटस देयर इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल एंड इट कंटेन्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं विलाय. किस साइड पे होती है? ऑन द एम्ब्रियो साइड. जो एम्ब्रियो अटैच हुआ है मदर बॉडी से उसके साइड पे प्रोजेक्शन होती है कुछ विलाय जैसी. विलाय जैसी कैसी? अब विलाय की प्रोजेक्शन फिंगर लाइक होती है. और क्यों होती है ऐसी? क्योंकि इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है. सरफेस एरिया का मतलब कि यहां से भी ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हो सकता है, ऑक्सीजन का ऑब्जॉर्प्शन हो सकता है, मतलब हर साइड से ऑब्जॉर्प्शन हो रहा है. सो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होता है उतना ज्यादा मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो सकता है. सो मदर की साइड पे ब्लड स्पेसेस होते हैं विच सराउंड द विलाय. तो विलाय और ब्लड स्पेसेस का जब कनेक्शन बनता है जिसकी वजह से सरफेस एरिया बहुत ज्यादा हो जाता है और ट्रांसपोर्ट हो पाता है ग्लूकोज का, ऑक्सीजन का टू द एम्ब्रियो. एंड जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं एम्ब्रियो के वो मदर तक जाते हैं थ्रू प्लेसेंटा के. सो सारा ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है बिटवीन मदर एंड एम्ब्रियो इट इज थ्रू प्लेसेंटा. सो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4.